अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो ये मैं अपनी फ़ाइल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, यानी जो हमारा इंटीरियर एक सीरीज़ चल रही थी, तो फर्स्ट वीडियो से आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा इस फाइल का, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये फ़ाइल आज मैं अपलोड कर दूंगा, ये ऑलमोस्ट मेरी तीसरा या चौथा पार्ट होगा, तो आपको शुरू वाले पार्ट से इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 5 है, जो कि हम एक इंटीरियर प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसमें हम जस्ट टेक्सचर्स और लाइटिंग ही कर रहे थे। तो इसमें ये हमारा पार्ट 5 है, इसमें आज हम दो अहम जो है वो टेक्सचर बनाना सीखेंगे। एक हम मल्टी ऑब्जेक्ट टेक्सचर किस तरह बनाते हैं, दूसरा कंपोसाइट का यूज़ करते हुए हम किस तरह एक अच्छा टेक्सचर बनाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया करें, मेरे चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इस तरह के अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। मुझे पता है मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती हैं, लेकिन मैं उसमें एक प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, आप कोई भी टेक्सचर वगैरह बनाना सीख लें। कल को अगर क्लाइंट आपकी तरफ किसी भी किस्म का टेक्सचर आपको कहता है तो वो आप बना लें, उसमें आपको टेंशन ना हो। तो वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से मैं मोटिवेट हूँगा और इस तरह के कंटेंट लेकर आऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वॉल के ऊपर हमने टेक्सचर लगाया हुआ है और फ्रेम के ऊपर भी हमने एक टेक्सचर लगाया हुआ है। इसके बाद हमारे पास डोर है, तो यहाँ पे अगर हम अपनी इमेज देखें तो ये हमारे पास दूसरी रेफरेंस इमेज है, ये वाली, और ये हमारे पास डोर है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डोर है, कुछ इस तरह का टेक्सचर है डोर के ऊपर, और बाकी हमारे पास ये टीवी यूनिट है और यहाँ पे एक एसी लगा हुआ है, वो हम बाद में लगाएंगे। तो ये हमारे पास टीवी यूनिट है, इसको हम जो है वो टेक्सचर बनाना सीखेंगे, इसके ऊपर टेक्सचर लगाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डोर है, तो डोर के ऊपर हमने टेक्सचर लगाना है। अब डोर के ऊपर हमने टेक्सचर जो है वो लगाना है मल्टी ऑब्जेक्ट टेक्सचर, इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे, ताकि हमारे जो ग्रेन्स हैं वुडन वो प्रॉपर इस पर यूज़ हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एम्प्रेस करता हूँ, और एम्प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम एक नई स्लॉट ले लेते हैं और इसको हम टेक्सचर दे देते हैं डोर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम वीरे मटेरियल ले लेते हैं सबसे पहले, और वीरे मटेरियल लेने के बाद इसका नेम हम कर देते हैं डोर। अब आपने नेम लाजमी करने हैं, आपने रीनेम करना है, आपने कोई ना कोई टेक्सचर को नेम देना है, ताकि मैं बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। अब क्योंकि अगर हम अपने डोर को देखें अपने रेफरेंस इमेज में, तो काफ़ी सारे जो है वो मटेरियल इसमें यूज़ हुए हुए हैं। मैं आपको डोर के मटेरियल भी दिखा देता हूँ जिस तरह मैंने इनको यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, तो कुछ इस तरह के हमारे पास डोर जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो वुड है वो यूज़ हुई हुई है। तो इस मटेरियल को यूज़ करने के लिए हम मल्टी सब ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मल्टी सब ऑब्जेक्ट में हम सारे मटेरियल बना लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो इसके ऊपर भी हमने फिर आईडी बनाई हुई है कि किस तरह मटेरियल को आईडी देके, यानी कि ऑब्जेक्ट को आईडी देके उसके ऊपर हम मटेरियल जो है वो पेस्ट करते हैं, यानी मटेरियल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इस हिस्से को मैंने जो मटेरियल आईडी दी हुई है, ये नंबर 1 है, सेट आईडी 1 और सेलेक्ट आईडी B1। अब ये सारी हमारे पास जितनी भी सेलेक्ट आईडीज़ हैं ये हमने 1 की हुई हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इन सब का जो मटेरियल आईडी है वो 1 है। इसके बाद अगर आप इसको भी देखें तो इसकी भी मटेरियल आईडी 1 है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसकी मटेरियल आईडी 3 है, और इसकी दूसरी तरफ भी 3, यानी 3 होगी। इसकी अगर आप मटेरियल आईडी चेक करें तो 4 है, और डाउन में 5 है, यानी ये वाली 5 है, ये 6 है, इसके बाद ये 7 है, ये 8 है, और ये हमारे पास 9 है, ये 10 है, ठीक है। अब 10 मटेरियल ये हो गया। इसके बाद ये हमारे पास एक लोगो का टेक्सचर होगा, और उसके बाद ये हमारे पास एक टेक्सचर होगा जो कि 9 हमारे पास टेक्सचर हो गया, यानी 10 वो और 2 टेक्सचर ये 12, और इसके बाद एक इसके इनसाइड पे लॉक लगा हुआ है, उसके ऊपर भी टेक्सचर है, ये वाला जो लॉक है, और ये हमारे पास टोटल मिला के अराउंड 13 टेक्सचर बनते हैं। तो इन 13 टेक्सचर को हम एक ही साथ यूज़ करेंगे, वो हम किस तरह यूज़ करेंगे ये हम सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इम्प्रेस करता हूँ, और इम्प्रेस करने के बाद ये मैंने एक डोर टेक्सचर जो है वो ले लिया है, और इसके ऊपर इसको मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये अप्लाई हो चुका है। अप्लाई करने के बाद आप हमें चाहिए मल्टी सॉब टेक्सचर, वो हम जो है वो उसके थ्रू बनाएंगे, यानी मल्टी सॉब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम वीरे मटेरियल में जाते हैं, और वीरे मटेरियल में जाने के बाद हम चलते हैं अपने जर्नल में, और जर्नल में हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास मल्टी सॉब ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन मिलता है, एक टेक्सचर मिलता है, इसको हम यहाँ पर ओके कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टेक्सचर बन के आ चुके हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास पहला टेक्सचर जो है वो ये वाला है, इसके ऊपर अब हम एक टेक्सचर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम चलेंगे अपने मल्टी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट में, ये हम नेम कर लेते हैं, नेम आपने करना है तो ठीक है, नहीं करना तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम चले जाते हैं तो ये हमारे पास अब वीरे टेक्सचर का टैब ओपन हो के आ चुका है। यहाँ पे हम एम प्रेस करते हैं और एम प्रेस करने के बाद अब हम लेंगे वीरे बिट मैप, और वीरे बिट मैप लेने के बाद यहाँ से हम अपना टेक्सचर जो है वो सर्च कर लेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे टेक्सचर मैंने रखे हुए हैं। अब हम YouTube और ये बेडरूम और यहाँ पे हम डोर, तो ये हमारे पास पहला टेक्सचर है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे हमने एक टेक्सचर जो है वो अप्लाई कर लिया। अब इसको हमने बम्प यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन में चले जाते हैं, और रिफ्लेक्शन में जाने के बाद सबसे पहले जो है वो हम एक कलर करेक्शन मैप ऐड करते हैं। ये हमने कलर करेक्शन मैप ऐड कर ली है, तो इसके थ्रू हम जो है वो बना सकते हैं। कोरोना में ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक एक टेक्सचर जो वो बनाना पड़ेगा। तो कलर करेक्शन मैप हमने ले लिया, अब इसमें हमें जो यूज़ करना है वो वीरे बिट मैप यूज़ करना है, और यहाँ पे दोबारा से हमें इसी टेक्सचर को सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से हम यहाँ जाएंगे और जो हमने कलर करेक्शन मैप लिया था उसको हम मोनोक्रोम कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब वापस हम जाएंगे तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को 0.6 कर लेंगे और इसको हल्की सी हम रिफ्लेक्शन दे देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद दोबारा हम बैक जाते हैं तो हमारे पास नंबर 2 आ जाता है। जैसे ही हम नंबर 2 के ऊपर कोई टेक्सचर अप्लाई करेंगे, यानी वीरे मटेरियल हमें जाना है यहाँ पे, और वीरे मटेरियल में अब हम यहाँ पे जाएंगे, यानी अपने जो हमने डिफ्यूज़ में लेना है वहाँ पे हमने वीरे बिट मैप लेना है। वीरे बिट मैप लेने के बाद अब हम यहाँ से दोबारा इसको सर्च करेंगे और ये हमारे पास नंबर 2 टेक्सचर है, इसको यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये देखें आप, इसके ऊपर ये टेक्सचर अप्लाई होके आ चुका है। अप्लाई होने के बाद अब हम दोबारा से बैक जाएंगे और यहाँ रिफ्लेक्शन में हम जो है वो इसको ऐड कर लेंगे वीरे बिट मैप की जब बजाय, दोबारा सेम हम इसी टेक्सचर को कॉपी कर लेंगे। एक ही टेक्सचर को हम जो है वो कॉपी करेंगे और वो ये वाला मैप है, इसको हम कॉपी करके इसमें हम पेस्ट कर देंगे ग्लोजीनेस में, यहाँ पे हम पेस्ट इंस्टेंस कर देंगे और इसी को कॉपी ले लेंगे हम। अब जिस टेक्सचर में हमें दोबारा से रिफ्लेक्शन मैप ऐड करना है तो उसमें हम इसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप हमें यहाँ पर मैप अपना चेंज करना है, ये मैप को हम जो हमने सेम मैप यूज़ किया उसी मैप को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद इसको अब हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और कॉपी करने के बाद इसमें हम कर देंगे पेस्ट, पेस्ट कुछ इस तरह से करेंगे और इसकी वैल्यू को हम 0.7 कर देंगे। तो ये हमारे पास नंबर 2 टेक्सचर आ चुका है। इसके बाद नंबर 3 टेक्सचर में हम जाएंगे, यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम वीरे बिट मैप ले लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपने सारे मटेरियल जो हैं वो बना लेने हैं अपने हिसाब से, यानी आपने नंबर वाइज जिस तरह आपने आईडी दी होगी मटेरियल की, उस तरह आपने मटेरियल बनाते जाना है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पेस्ट होते रहेंगे, यानी उसमें अप्लाई होते रहेंगे। तो ये नंबर 3 है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे ही हम करेंगे तो ये नंबर 3 के ऊपर हमारा टेक्सचर जो है वो लग चुका है। और दोबारा से हम यहाँ पर जाएंगे और इसको हम कर लेंगे कॉपी, यानी रिफ्लेक्शन में हम पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे, तो ये इस तरफ भी हमारा जो है वो लग चुका होगा। ये देखिए इस तरफ हमारा जो है वो मटेरियल लग चुका है। लगने के बाद अब हम दोबारा से इसको पेस्ट कर लिया और यहाँ पे हम जाने के बाद इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये हमने चेंज कर लिया और इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से हम यहाँ पर जाएँगे और मोनोक्रोम है, और यहाँ से हम इसको कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर हम कर लेंगे पेस्ट, और इसी को हम बम्प में यूज़ करेंगे। मैप्स में जाएंगे और ये हमारे पास बम्प है ये वाला, और बम्प में भी हम इसको कर लेंगे पेस्ट कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने मैप ऑलरेडी यूज़ कर लिया, तो ये कुछ इस तरह का हमारा टेक्सचर जो है वो बन के आ चुका है। दोबारा से हम यहाँ पे जाएंगे तो ये हम देखेंगे तो हमारा टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब हम तीसरे में चलते हैं। इसी तरह आपने बारी बारी बना लेने हैं, तो ये मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी तरह मैं अपने सारे टेक्सचर बना लेता हूँ, तो उसके बाद आपने भी इसी तरह बना लेने, यानी आप नंबर 4 पे आएँ और यहाँ पे आप नन पे कर लें तो ये हमारे पास मटेरियल आ जाएगा। यहाँ पे आपने वीरे मटेरियल कर लेना है, और वीरे मटेरियल करने के बाद यहाँ पे आपने इसमें ऐड कर लेना है अपना डिफ्यूज़ मैप में, आपने बिट मैप ऐड कर लेना है वीरे बिट मैप, और यहाँ पे आपने चले जाना है और यहाँ से नंबर 4 पे मेरे पास ये पड़ा हुआ है, आपने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये कुछ इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा और इसको आपने कर लेना है यहाँ पे अपना। दोबारा से आपने चले जाना है, हमने जो कॉपी किया हुआ था उसको यहाँ पे कर लेना है पेस्ट,
और पेस्ट करने के बाद इसको हमने कर लेना है ओपन। यहाँ पे हमने अपने बिट मैप को चेंज कर लेना है, यहाँ पे नंबर 4 पे आपने इसको नंबर 4 कर देना है। इसके बाद इसी को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, थोड़ी सी इसमें रिफ्लेक्शन ऐड करेंगे, हल्की सी इनफ है, और इसकी वैल्यू को 0.7 कर देंगे। और यहाँ पे हम कर लेंगे ओपन, और इसको हम कर लेंगे कॉपी, इसमें कर लेंगे पेस्ट, और दोबारा से नीचे बम्प में यानी मैप में जाएंगे और यहाँ पे बम्प में भी हम इसको कर लेंगे पेस्ट। कुछ इस तरह से आपने मटेरियल बना लेने हैं, तो मैं जल्दी से मटेरियल बना लेता हूँ। तो अब मैंने अपने बारी बारी टेक्सचर बना लिए हैं, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 13 आईडीज थी और 13 ही मटेरियल हमने बनाए हैं। अगर इस आईडी को आप चेक करें तो ये देखें, इसकी आईडी नंबर हमारे पास जो है वो 13 शो होगी और हमने 13 ही टेक्सचर जो है वो बनाए हैं। इसको हम थोड़ा सा डिटैच करके इसको डोर को सीधा कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे आउटडोर लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम इस तरह यूज़ करेंगे। और ये मैं इसका लोगो था, बाकी ये सारे टेक्सचर इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया। मल्टी सब ऑब्जेक्ट के ज़रिए आपने टेक्सचर बनाने हैं, आपने अपने हिसाब से नंबर वाइज सारे टेक्सचर बना देने, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने आईडी फर्स्ट सेट करनी है, जो आपने आईडी सेट करनी है उसी आईडी पे ये मटेरियल जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपने ख्याल रखना है कि कौन सी आईडी कहाँ पे जो है वो अप्लाई करनी है। तो चलो शुरू करते हैं आप नेक्स्ट। अब हमने अगर हम यहाँ पे जाएं और आइसोलेट इसको करें, तो हम अपने डोर का टेक्सचर जो है वो लगा ली है, और उसके बाद अब हमारे पास आती है अपनी टीवी यूनिट। ये हमारे पास टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट में आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक फायर का टेक्सचर अप्लाई हुआ है, फ्रंट पे हमारे पास ग्लास लगा हुआ है, और ये हमारे पास एक वुडन टेक्सचर है जो कि हमने मिक्स मैप के ज़रिए, कंपोजिट मैप के ज़रिए हमने बनाना है, और ये नॉर्मल जो हम ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर यूज़ करते हैं वो हुआ हुआ है। और स्क्रीन पर मैंने अपने हिसाब से टेक्सचर दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मिरर है, और ये हमारे पास छोटी सी एक ड्रेसिंग बनी हुई है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये एक टाइल टेक्सचर है, तो इसको हम उठा लेते हैं यहाँ से, और इसके ऊपर हम एक जो है वो मार्बल का टेक्सचर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इम्प्रेस करता हूँ, और अब टीवी यूनिट आ गई है, तो टीवी यूनिट में सबसे पहले हमारे पास टीवी यूनिट में मार्बल टेक्सचर है, मार्बल, तो यहाँ पर हम मार्बल ले लेंगे और टीवी यूनिट हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, टीवी यूनिट ओके। और टीवी यूनिट में ये पर हमारे पास मार्बल है, तो यहाँ हम जाएंगे अपने डिफ्यूज़ में और वीरे बिट मैप लेने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास टीवी यूनिट का टेक्सचर पड़ा हुआ होगा, ये हम टेक्सचर यहाँ पे यूज़ करेंगे। थोड़ा सा टेक्सचर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कभी कभार टेक्सचर नहीं मिलते, तो इसको हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे शो शेडेड मटेरियल कर देंगे, ये टेक्सचर इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। इसके बाद अब हम इसको कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन में आएंगे, और इसमें हम एक कलर करेक्शन मैप ऐड करेंगे। आपने कलर करेक्शन मैप ऐड करना है ताकि आपकी क्वालिटी में थोड़ी सी बेहतर आए टेक्सचर बनाने में। मोनोक्रोम कर लेंगे और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इसी को हम यहाँ पे जो है वो इसकी रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि मार्बल में रिफ्लेक्शन होती है, और इसकी वैल्यू को हम 0.85 कर देंगे, कुछ इस तरह से। इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और मैप्स में आएँगे, यहाँ बम्प में इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास टीवी यूनिट का टेक्सचर जो है वो बन के आ चुका है। अब हम दोबारा से जाएंगे, तो अब हमने अपनी एलईडी के ऊपर टेक्सचर अप्लाई करना है, और नीचे हमने जो फायरप्लेस हमारी थी उसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करना है। तो आप रेफरेंस इमेज में देखें, तो ये हमारे पास एलईडी है और नीचे हमारे पास फायरप्लेस है, इन दोनों के ऊपर हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम मैक्स पे चले जाते हैं, और एलईडी के ऊपर जो हमें पहला टेक्सचर अप्लाई करना है वो मेटल का अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम मेटल टेक्सचर ले लेते हैं, जो कि हम वीरे मटेरियल लाइब्रेरी से ही लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे, और ये हमारे पास मेटल का एक टेक्सचर है, एलुमिनियम डार्क ग्रे, इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, और इसको अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर जो है वो हम अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा डार्क मटेरियल अप्लाई हो चुका है। अब इन साइड पर ये जो हमारी स्क्रीन है, इसके ऊपर हमें एक कोई भी इमेज लगानी है, ताकि हमें पता चले कि हमारी स्क्रीन पे कुछ चल रहा है। तो उसके लिए जो सबसे पहला टेक्सचर है वो हम वीरे लाइट टेक्सचर जो है उसको अप्लाई करेंगे, और इस वीरे लाइट टेक्सचर में अब एक मैप का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर हम मैप ऐड कर देंगे, वीरे बिट मैप, और यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हम एक वीरे मैप जो है वो ऐड करेंगे। डाउनलोड में जाएंगे, तो ये हमारे पास एक वीरे मैप हमने लिया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, इसको हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब हम इसको एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब रेंडर में ये हमें इमेज नज़र आ जाएगी, क्योंकि फ़िलहाल हमने लाइट मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इसके बाद डाउन में आ जाएं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो मटेरियल ऐड करना है वो यही ऐड करना है, मेटल का। तो ये हमने मेटल मटेरियल ऐड कर ली है,
अब इसके बाद हमारे पास मज़ीद स्लॉट्स नहीं बचे, तो अब हम मज़ीद स्लॉट्स लेने के लिए यहाँ पे जाएंगे और इसको हम कर देंगे रीसेट। आपने रीसेट मटेरियल एडिटर करना है और रीसेट मटेरियल एडिटर करने के बाद वो पहले वाले मटेरियल आपके सेव हो जाएंगे और दोबारा से हमारे पास एक न्यू जो है मटेरियल एडिटर ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपने बैक वाले मटेरियल को लेकर आना है तो यहाँ पर आप रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप बैक आएंगे तो ये आपके दोबारा से रीसेट हो चुके होंगे, तो इसका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पे हम एम्प्रेस करते हैं, अब हम स्लेट मटेरियल एडिटर में वर्क करते हैं। इन दो को मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे चाहिए एक यानी कि ग्लॉस मटेरियल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ग्लॉस मटेरियल जो है वो अप्लाई हुआ हुआ है, उसके बाद हमारे पास जो है वो फायर प्लेस का मटेरियल अप्लाई हुआ हुआ है। तो यहाँ पर हम दोबारा एम पे जाते हैं, एम्प्रेस करते हैं, ये स्लॉट स्लेट मटेरियल एडिटर हमने ओपन कर लिया है और इसके ऊपर अब हम एक जो है वो ग्लास मटेरियल जो है वो अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास ग्लास है और यहाँ पे हम एक क्लियर ग्लास मटेरियल जो है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम आ जाते हैं तो ये हमारे पास क्लियर ग्लास मटेरियल मटेरियल एडिटर में हमने ऐड कर लिया है। तो ये हमारे पास ऐड हो चुका है। अब इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट लेंगे, तो ये हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये अप्लाई होने के बाद आप इनसाइड पे हमारे पास जो है वो एक वुडन टेक्सचर, जो इनसाइड पे हमें फायर का टेक्सचर चाहिए, और यहाँ पे हमने सबसे पहले हम जाएंगे अपने कॉम्पैक्ट मटेरियल में और इसके ऊपर हम एक मटेरियल अप्लाई कर देंगे जो कि मेटल का होगा। तो ये हमारे पास मेटल टेक्सचर है, ये हमारे पास मेटल टेक्सचर है, तो यहाँ पे हम मेटल टेक्सचर जो है वो अप्लाई कर देंगे। दोबारा से यहाँ जाएंगे और ये हमारे पास मेटल टेक्सचर आ गया, इसके ऊपर हमने मेटल अप्लाई ऐड कर देना है। ठीक है, मेटल ऐड करने के बाद इस पर हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास मेटल हो गया। अब इनसाइड पे हमें जो है वो फायर का टेक्सचर चाहिए, इसको हम किस तरह बनाते हैं। तो दोबारा से हम स्लेट मटेरियल एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले हम एक लेंगे वीरे लाइट मटीरियल, और वीरे लाइट मटीरियल में यहाँ पर नो मैप लिखा हुआ है, तो मैप में हम एक वीरे बिट मैप ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब वीरे बिट मैप में हमने ऐड करना है जो कि हमारे पास होगा फायर का मटेरियल, तो वो हमने लिया हुआ है ऑलरेडी, तो उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अपने ऑब्जेक्ट में जाते हैं जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है बेडरूम, तो ये हमारे पास फायर टेक्सचर है, इसको हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का टेक्सचर जो अप्लाई हो जाएगा, इसको हम ओपेसिटी में भी अप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास टेक्सचर बन के आ चुका है। अब इसको हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास अप्लाई हो चुका है। जब हम इसका रेंडर लेंगे तो इसमें हमें फायर नज़र आएगी जलती हुई। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सा मज़ीद इसकी ओपेसिटी को ज़्यादा कर सकते हैं, अराउंड 50, तो कुछ इस तरह से हमें आग जो है वो थोड़ी फ्लेम जो है वो ज़्यादा जलती हुई नज़र आएगी। तो इसके बाद अब हम दोबारा से यहाँ पे जाते हैं, तो ये हमने इसके ऊपर मटेरियल जो है वो अप्लाई कर लिया है। दोबारा से हम यहाँ पर जाएंगे तो ये मटीरियल हमारा अप्लाई हो चुका है। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का हमारे पास सीन आ चुका है। तो इसके बाद अब इसके ऊपर हमने टेक्सचर अप्लाई करना है, तो अब इसके ऊपर हम टेक्सचर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब ऑलरेडी हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसके ऊपर हमने डिटेल में टेक्सचर बनाना है, क्योंकि इसमें हमने कंपोसाइट का एक एडिशन करना है, तो वो हम किस तरह बनाते हैं ये टेक्सचर आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।